मंत्री, गृह मंत्री, ये गृह मंत्री का आदेश है। आप क्या समझते हैं कि डीसीपी साहब को हमने जो हम डीसीपी साहब ने जो हमको जो आदेश दिया, पुलिस को जो आदेश दिया, वो डीसीपी साहब का आदेश है? वो गृह मंत्री से आदेश आया है, गृह मंत्रालय से आदेश आया है वो। और अगर वो गृह मंत्रालय से आदेश आया है तो उसकी पूरी पालन की जाएगा, उस संविधान को बचाया जाएगा, उस संविधान को बचाया जाएगा, देश के हर एक नागरिक की व्यवस्था और उनको सुव्यवस्थित किया जाएगा, चाहे वो बाबर के हो, हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां। अगर मेरे ऊपर पत्थर गिरा, मैं बता देता हूं, अगर मेरे खुद के ऊपर पत्थर गिरा तो मैं सीधा शूट आउट कर दूंगा भाई, सीधी बता रहा हूं। या मेरे पुलिस के जवान किसी के ऊपर से पत्थर गिरा या चोट पहुंचाई गई, मैं सीधा शूट आउट कर दूंगा उन व्यक्तियों को, सीधा शूट आउट कर दूंगा उन व्यक्ति पत्थर से जवाब देगा तो उसका मैं पत्थर से मैं अपनी देश का घर बना दूंगा। जो अगर मेरे ऊपर ईंट फेंकेगा, पहले मैं हिंदुस्तान की भवन बना दूंगा, राम मंदिर बना दूंगा उससे। जो मेरे ऊपर ईंट फेंकेगा मैं उस ईंट को संभाल कर रखूंगा, मैं ईंट तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकूंगा, तुम्हारे ऊपर तो गोली का निशाना लगा दूंगा सीधा, ये बता रहा हूं मैं। और उस ईंट को संभाल कर रखूंगा जो राम मंदिर के निर्माण में काम आएगी। त्यागी, ये सबसे पहले तुम्हारा काम है। किसका? मेरा काम, आपका नहीं है। आपका सिर्फ इतना काम है, आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि कौन से लोग कहां पर जुड़े हुए हैं, कितने लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को उस तक जरूर भेजना, भीम आर्मी के रावण तक, जो इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, उन लोगों तक जरूर भेजना। उन्हें बोल देना कि राकेश त्यागी खड़ा हो चुका है अब मैदान में।